नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ फेसिंग ट्यूशन सेंटर। आपका अपना नॉर्थ फेसिंग ट्यूशन सेंटर है तो वास्तु के अनुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पीछे वीडियो में ईस्ट फेसिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, कोचिंग सेंटर के बारे में जानकारी दी थी और उसी इंक्वायरी को देख के मेरे पास मैसेज आया कि मेरा नॉर्थ फेसिंग कोचिंग सेंटर है, लगभग 2.5 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ क्लासरूम के हिसाब से बच्चे पूरे नहीं होते। जिस हिसाब से मैंने सेटअप बनाया हुआ है उस हिसाब से बच्चे कम हैं, जिसके कारण मेरे खर्चे भी मीट नहीं होते। और मैंने अपने यहाँ पर अच्छी फैकल्टी, अच्छा स्टाफ रखने के बावजूद भी मेरे यहाँ बच्चे नहीं आ रहे, ऐसा क्या कारण बन रहा है? आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वास्तु दोष बिल्डिंग में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। आपकी बिल्डिंग नॉर्थ फेस है यानी उत्तर मुखी है। सबसे पहले तो आपने जो ध्यान रखना है, आपकी जो बिल्डिंग है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। बाहर का जो एरिया है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। आपका अपना जो गेट है वो गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, दूसरा गेट आपका यहाँ पर लगा हुआ है और ऐसे ही एक विंडो आपकी नॉर्थ वॉल पर, यहाँ पर लगी हुई है। तो आपने ध्यान रखना है आपकी विंडो के अंदर लगी हुई जाली और साथ में जो ग्लास लगा हुआ है उसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है। आपके दरवाजे दोनों ही अच्छे तरीके से साफ होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दरवाजे लकड़ी के हैं या लोहे के हैं, इनके ऊपर आपने जो कलर करना है वो स्काई ब्लू कलर करना है। ऐसे ही जो आपकी अपनी विंडो है, विंडो के ऊपर भी आपने स्काई ब्लू कलर करना है। नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाती है और फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाती है। स्टेयर्स में एक दरवाज़ा अंदर से बनता है और उसके बाद ये स्टेयर्स आपके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर इस तरीके से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर आपका अपना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ओपनिंग बन जाती है। वास्तु दोष कहाँ बनता है? जो आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग है, जो नॉर्थ ईस्ट के भाग में चौकी बनी हुई है, इसका फर्श का लेवल आपके अंदर के फर्श के लेवल से कम 4 से 6 इंच ऊंचा जरूर मिलेगा। आपने इस फर्श के लेवल को नीचा करना है या फिर आपने पूरे अपनी बिल्डिंग का फर्श का लेवल चौकी के फर्श के लेवल से ऊंचा करना है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो चौकी है, चौकी के फर्श के लेवल को आप नीचा करें। यहाँ पर आप एक स्टेप बनाएं और उसके बाद जो ये एरिया है इस एरिया को आप प्लेन कर दें और यहाँ का जो फर्श लेवल है आपके अंदर के फर्श के लेवल के बराबर आए। ऐसा करने से आपको बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। जब आप ये काम करेंगे, यहाँ का फर्श प्लेन करेंगे और एक स्टेप बनाएंगे, उस समय कारपेंटर को बुलाकर आप अपने दोनों दरवाजों को सेट करें ताकि दरवाजे को खुलने में और बंद होने में कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ जो आपकी स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स के नीचे वाले भाग में यानी ग्राउंड फ्लोर पर आपके यहाँ पानी की मोटर जरूर लगी होगी। आपने करना क्या है, उस पानी की मोटर के नीचे रबड़ का कम से कम 1/2 इंच से 1 इंच मोटा मैट रखना है, जिससे कि जो मोटर की वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कम हो जाए। जब वाइब्रेशन कम होगी तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा, आपके यहाँ बच्चे पूरे हो जाएंगे। आपके यहाँ स्टेज के नीचे ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है, आपने उस टॉयलेट को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, साफ करना है। टॉयलेट के अंदर से स्मेल ना आए और साथ में ध्यान रखना है टॉयलेट के अंदर फंगस भी ना बने। टॉयलेट के जो किनारे होते हैं जहाँ दीवार और फर्श के जॉइंट्स बनते हैं वहाँ पर फंगस बन जाती है, कॉर्नर में फंगस बन जाती है, आपने उन फंगस को अच्छे तरीके से क्लीन कराते रहना है। और इसी के साथ आपने अपने टॉयलेट के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बाउल में सेंधा नमक और फिटकरी जरूर रखनी है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपकी टॉयलेट ईस्ट के भाग में बनी हुई है इसमें गैस बैग मारती है और आपके यहाँ स्मेल बनती है तो भी आपके यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप अपने यहाँ प्लम्बर को बुलाकर उस टॉयलेट को सही करें, टॉयलेट के अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए।
इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी टॉयलेट के अंदर एक एग्जॉस्ट भी लगाएं और एयर क्रॉसिंग का सिस्टम प्रॉपर तरीके से ज़रूर कराएं। इसी के साथ जो आपकी स्टेट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है, ये एक वास्तु दोष माना जाता है। आपने इसके लिए करना क्या है, जो आपकी स्टेट्स की ये वाली जो दीवार है, इस दीवार पर आपने एक लुकिंग मिरर लगाना है। लुकिंग मिरर का साइज़ कम से कम 2 फीट बाई 3 फीट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी कारण से आपके यहाँ बड़ा मिरर लगाने की जगह नहीं बनती है तो आप छोटा मिरर भी लगा सकते हैं। मिरर लगाते हुए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, मिरर की जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर रिसेप्शन की टेबल कैसे लगानी है। रिसेप्शन की टेबल जो आपकी है, इस प्रकार से लगेगी। यहाँ पे आपके अपने रिसेप्शनिस्ट आ जाएगी और आपने अपने यहाँ पर एक अलमीरा बनानी है, वो अलमीरा आपकी रेस्ट वॉल पर बनेगी, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल और स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका स्टेशनरी है, जो सामान है, वो सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो आपके यहाँ पेरेंट्स आएंगे, जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनके बैठने की जो सीटिंग है वो आपने यहाँ पर बनानी है। आपके यहाँ स्पेस ठीक है तो आप यहाँ पर एक छोटा सोफ़ा भी रख सकते हैं। आपके यहाँ जो आपकी अपनी विंडो है, विंडो के ऊपर कर्टन, सोफे का जो कलर है और साथ में जो चेयर्स है, चेयर्स का जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए। अब मैं आपको ओनर की सीटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये अपना ओनर का ऑफिस है और यहाँ पर डोर लगा हुआ है। ओनर की जो सीटिंग है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ओनर का जो फेस है ईस्ट की ओर होगा और जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए जो चेयर्स आएंगी वो यहाँ पर आएंगे। ऐसे ही आपने जो सोफ़ा लगाना है वो सोफ़ा आपने यहाँ पर लगाना है। आपने अपने रूम में, अपने कैबिन में अलमीरा बनानी है, वो अलमीरा आपने वेस्ट वॉल पर बनानी है। इस तरीके से ओनर की सीटिंग बन जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्लासरूम के सेटअप कैसे होना चाहिए। यहाँ पर आपका अपना क्लासरूम का डोर है। आपने अपने यहाँ पर जो बोर्ड लगाना है वो बोर्ड आपने ईस्ट वॉल पर लगाना है। बच्चों का फेस पढ़ते हुए ईस्ट की ओर होना चाहिए और टीचर का फेस पढ़ाते हुए वेस्ट की ओर होना चाहिए। आपके यहाँ जो डेस्क लगेंगे वो डेस्क आपके इस प्रकार से लग जाएंगे। आपके यहाँ जितना जो स्पेस है उसके हिसाब से आपके अपने डेस्क आ जाएंगे। जिस हिसाब से आपके यहाँ रूम का स्पेस है उसके हिसाब से आपके अपने यहाँ डेस्क लग जाएंगे। 4 रोल लगेंगी तो 4 लगा लीजिएगा, 5 लगती है तो 5 लगा लीजिएगा और 3 रोल लगती है तो आप 3 रो लगा लें। इस प्रकार से ये आपके दोनों तरफ डेस्क लग जाएंगे और बीच में आपका पैसेज बन जाएगा। टीचर की जो सीटिंग है, टीचर की सीटिंग यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर टीचर की अपनी टेबल आ जाएगी। आपके यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है तो उसके लिए जो टीचर की टेबल है वो ऐसे हो जाएगी और टीचर यहाँ पर बैठेगी। टीचर का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ क्लासरूम के अंदर कलर कौन सा होना चाहिए। आप अपने क्लासरूम में लाइट पिंक कलर भी करा सकते हैं और ऑफ वाइट कलर भी करवा सकते हैं। जो अपना ऑनर का कैबिन है, ऑनर के कैबिन में आप ऑफ वाइट कलर करवा सकते हैं। जो फर्नीचर का कलर है, जो चेयर्स का कलर है, जो सोफे का कलर है, वो भी आपके यहाँ ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। आपके यहाँ फ्रंट के भाग में रेड कलर है या पिंक कलर है और बैक साइड में क्लासरूम में स्काई ब्लू कलर है या ग्रे कलर है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं आ सकती। आप कहीं ना कहीं उलझनों में भी ज़रूर उलझे हुए
होंगे। तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो कलर स्कीम मैंने आपको बताई है, ये कलर स्कीम आप कर लेते हैं तो आपकी उलझने कम होती चली जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपकी अपनी स्टेज है, जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, स्टेज के अंदर जो आपने कलर करना है वो लाइट ग्रीन कलर करना है। लाइट ग्रीन कलर करने से भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें आपकी जो स्टेज ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, यानी जितनी भी मंजिल बनी हुई है हर मंजिल पर स्टेज आपकी यहीं से जा रही है, और छत के ऊपर जाने के बाद इसी एरिया में आपकी ममटी बनती है, उसके ऊपर भी आपने लाइट ग्रीन कलर करवाना है। आपके लिए पॉसिबल है टेरिस पर एक कमरा बनाना, तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आप ये कमरा बना लीजिए। आपके सिर पर जितना भी कर्ज आया हुआ है वो कर्ज धीरे धीरे करके आपका उतर जाएगा। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर दो रूम बनाए हुए हैं, यानी दो क्लासरूम बनाए हुए हैं, एक क्लासरूम तो आपका ये बन जाता है ऐसे ही, और एक क्लासरूम आपने यहाँ पर ऐसे लंबा करके बनाया हुआ है, और इसी के साथ में आपने अपनी पेंट्री बनाई हुई है, और बाहर बालकनी में आपने यहाँ पर एक टॉयलेट बनाई हुई है। ये आपकी पूरी कंप्लीट बालकनी बन जाती है, और यहाँ पर आपने टॉयलेट बनाई हुई है, ये आपने पेंट्री बनाई हुई है, और ये आपका क्लासरूम बन जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, जो कलर स्कीम आपको नीचे बताई है सेम कलर स्कीम आपकी ऊपर आएगी, और इसमें ध्यान रखना है जो आपकी अपनी पेंट्री है, पेंट्री में यहाँ पर इस भाग में आपका अपना फ्रिज आना चाहिए, यहाँ पर साउथ वॉल पर आपने अपना बर्नर रखना है, और वेस्ट वॉल पर आपने सिंक लगाना है। पेंट्री के अंदर आपके यहाँ स्काई ब्लू कलर या ग्रे कलर होना चाहिए। जो आपकी टॉयलेट बाहर बालकनी में बनी हुई है, इस टॉयलेट का फर्श का लेवल यदि ऊंचा है, ज़्यादातर देखने में आता है जब भी बालकनी में टॉयलेट बनाई जाती है तो टॉयलेट का फर्श का लेवल कम से कम 8 से 10 इंच ऊंचा बन जाता है। इसके कारण आपकी कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता, हर व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाता है। आप जितनी मेहनत करते हैं, आपके यहाँ जितने स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे भी आपको रेफरेंस नहीं मिलता। आपकी टॉयलेट का जो फर्श का लेवल है बालकनी के फर्श के लेवल के बराबर होना चाहिए, और इसी के साथ जो आपकी टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर जो आपने कलर कराना है वो लाइट ग्रे कलर कराना है या स्काई ब्लू कलर कराना है। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे, आपकी जो वर्किंग है वो वर्किंग हमेशा ही अच्छी होती चली जाएगी। आपके यहाँ जितना पॉसिबल है, जितना बदलाव आप कर सकते हैं उतना बदलाव आप करते चले जाएंगे, तो आपको रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप बदलाव करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एक काम करेंगे एक काम का रिजल्ट मिलेगा, दो काम करेंगे दो काम का रिजल्ट मिलेगा, और सारे काम करेंगे तो आपको सारे काम का रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में अपनी साइट के प्रति कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं या लेआउट पर सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे से वास्तु सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।